नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में आपका। मैं आपका दोस्त अमित लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है काठगोदाम से चलने वाली ट्रेन रानीखेत एक्सप्रेस का। रानीखेत एक्सप्रेस चलती है काठगोदाम से जैसलमेर के लिए। तो ट्रेन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेन नंबर है 15014 रानीखेत एक्सप्रेस। और जो टाइम है इसका यहाँ से काठगोदाम चलने का वो है रात के 8:30 बजे के आसपास। दोस्तों, ये काठगोदाम से जैसलमेर के लिए चलती है ट्रेन और हमें उतरना है पुरानी दिल्ली। तो आपको बता दूँ, ये काठगोदाम हल्द्वानी लाल कुंवर रुद्रपुर सिटी बिलासपुर रोड होते हुए और मुरादाबाद हापुड़ गाजियाबाद साहिबाबाद और दिल्ली, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है दोस्तों, इसलिए मैंने दिल्ली तक का ही ट्रेवल आपको बताया है। तो हम अभी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आप जब भी जाएं स्टेशन पर कोशिश कीजिए कि कम से कम आप आधा घंटा या 45 मिनट पहले पहुंचें। रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको रेलवे स्टेशन पर पानी मिलेगा पीने का, पीने वाला पानी आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर टोंटी लगी हुई है, साफ़ पानी है पीने का, कोई दिक्कत नहीं है। रानीखेत एक्सप्रेस पहले ही लग चुकी थी, हमने अपना जो सामान है वो रख चुके हैं रानीखेत एक्सप्रेस में। थोड़ा सा हमने सोचा कि चलो स्टेशन की वीडियो को बनाया जाए। यहाँ पर ये बोगी लगी हुई है स्लीपर क्लास की। हमारा जो थर्ड एसी का है बुकिंग, ये पैसेंजर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक स्टेशन पर एक स्टैचू बनाया गया हुआ है जिसमें हमारे तिरंगे को हमारे सैनिक ऊपर उठा रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से तो आप जय हिंद जरूर लिखें कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड एसी की जो सीटिंग है वो कैसी है। थर्ड एसी का जो सीटिंग है वो अरेंजमेंट ऐसा है, आप यहाँ जाइए, देखिए दोस्तों सीट और जो ट्रेन है वो काफ़ी साफ़ सुथरी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंबल आपको मिलेंगे, तकिया आपको मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पर चार्ज करने के लिए हर सीट के लिए यहाँ पर आपको लाइट मिलेगी। आप लाइट जलाकर पढ़ सकते हैं या कुछ भी आपको कोई काम होता है। यहाँ पे कटन आपको मिलेंगे, पर्दे हैं आपको मिलेंगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी साफ़ सुथरा है ट्रेन। हमारा ये थर्ड एसी का है कोच, कंबल है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि जो तकिए थे वो थोड़े गंदे थे, पर उनके साथ आपको कवर ज़रूर मिलेंगे, तो आप कवर उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये साइड है, साइड लोअर साइड अपर, इसमें भी आपको चार्जिंग जैक चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे, यहाँ आपको पर्दे मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले भी आपके जो कोच होते हैं उसमें आते जाते रहते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको वॉशरूम की तरफ ले चलता हूँ। वॉशरूम काफ़ी साफ सुथरा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा वॉशरूम है। हाथ धोने के लिए यहाँ पर आपको लिक्विड भी मिलेगा। मिरर थोड़ा गंदा है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टोंटी चलाकर देखते हैं, टोंटी में वैसे पानी है, पानी है बिल्कुल। तो दोस्तों, काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम है। और हम आखिरी में दिल्ली पहुँच जाते हैं 4:10 पर। तो मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।